इस वीडियो में मैं आपको दूंगा तीन बेहतरीन पावर पंच कॉम्बोज जो आप कर सकते हो हैवी बैग पर आपके अगले बॉक्सिंग सेशन में। पावर से मारना सबको पसंद है, सबको पंचिंग बैग को मारना भी पसंद है जोर से, पर आपको सही तरीका पता होना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं दूंगा तीन बोनस टिप्स ताकि आप हर पंच को खूंखार पावर से मार पाओ। अगर आप यहाँ नए हो, मेरा नाम है टोनी जेफरीज, ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज पदक, 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन, यूरोपियन चैंपियन, पूर्व अपराजित बॉक्सर, और मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपको देता हूँ सब कुछ बॉक्सिंग। तो अगर आपको बॉक्सिंग पसंद है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियो पाने के लिए। पहला कॉम्बो होगा सर को 4 हल्के पंचेस, फिर बॉडी पे जोर के 4 पंच तानो। ये बैक पे मारने के लिए बेहतरीन कॉम्बो है, स्पारिंग और फाइट्स में भी काम आएगा, क्योंकि अगर मेरे सामने कोई हो और मैं उसको सर पे 4 बार मारूं वो क्या करेगा, पा, 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 पा। उसके हाथ ऊपर आ जाएंगे, वहां से मैं 4 बॉडी शॉट जोर से तानूंगा और ये कुछ ऐसे दिखेगा। हाँ, बेहतरीन कॉम्बो। और इसमें और एक चीज जोड़ते हुए कर सकते हैं, सर को लेफ्ट हुक। तो जब बॉडी शॉट तान दो और उसके हाथ वापस नीचे आ जाए, सर पे एक जोर का लेफ्ट हुक मारना जो कुछ ऐसे दिखेगा। ये एक जोरदार कॉम्बो था। अब दूसरे कॉम्बो पे हम चलते हैं। हम ये लेफ्ट हैंड ऐसे बाहर रखेंगे बस छूते हुए। सोचो सामने एक ओपोनेंट को जिसका लेफ्ट हैंड भी बाहर है, तो ऐसे छूते हुए खेलते हुए, और जैसे ही मेरा हाथ पीछे ले लूं, मैं एक जोरदार राइट हैंड तानूंगा जो मुझे सही जगह पे ला देगा 2 बॉडी हुक मारने के लिए। अब सोचो इसके बारे में, हम लेफ्ट हैंड से ऐसे खेल रहे हैं, उसे अंदाजा भी नहीं है हमारे प्लान का। वाह, पम पम पम, बेहतरीन कॉम्बो, और असली में ऐसे दिखेगा। So I'm touching, touching, playing with it when the timing's there. बढ़िया था, फिर से करूंगा। So I'm here, touching, playing. क्या बेहतरीन कॉम्बो था, माँ कसम। देख रहे हो ना, बैग हिल रहा है, मतलब कितना ज्यादा पावर था इसमें। तीसरा कॉम्बो, मैं मारूंगा एक जैब, मैं फिर पीछे कदम लूंगा, पर पीछे कदम लेते हुए उसी से जोर लूंगा वापस आके 1-2 मारने के लिए। तो जैब मार के पीछे जाओ तो ओपोनेंट सोचेगा मैं तो पीछे जा रहा हूँ, पर मैं दूंगा चकमा एक अचानक स्टेप करके 1-2 मारते हुए जो कुछ ऐसे दिखेगा। हाँ देखे, जैसे उसको लगा मैंने छोड़ दिया, वो आगे आएगा और मैंने 1-2 से उसे चौंका दिया, और वो स्टेप करते हुए पैर से धक्का लेके मारने में अलग ही पावर मिलता है कसम से। और फिर से देखिए इसे, जाब स्टेप बैक 1-2 फॉर पावर। देख रहे हो, इसे कहते हैं पावर पंच कॉम्बो। अब दूंगा 3 टिप्स ताकि आप मार पाओ किसी भी हाथ से जोर से पावर से, कहीं भी जिम में या जहां आप मारो वहां। पर ये बताने के पहले, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी बहुत मदद होगी। तो ये है वो 3 टिप्स जिससे मार पाओगे जोर के पंच हमेशा। पहला टिप होगा, कमर घुमाते हुए वजन डालो। चाहे कोई भी पंच मारने जाओ, वजन लगाते हुए ही पावर मिलेगा आपको। तो अगर मैं एक राइट हैंड मारने जाऊं, मुझे बीच से आगे के पैर पर अपना वजन लाना होगा जो कुछ ऐसे दिखेगा। yeah. अगर मैं ये ना करूं, ये बस हाथ का चाटा होगा कुछ ऐसे। तो कमर घुमाइए ऐसे ही, लेफ्ट हुक मारते समय भी मैं वजन लगाऊंगा पर अपने आगे के पैर से पीछे के पैर पर। तो स्लिप करके ला दोगे आगे के पैर पर वजन, स्लिप है? ये जो किया ये मूवमेंट, इसी से जोर आएगा पंच में। अब कहूं जैब का, जैब में कैसे लाए पावर, ये काफी आसान है। हमें बस पंच के साथ स्टेप करना होगा। तो साधारण जैब होगा, थोड़ा ही पावर था, पर स्टेप के साथ पंच करूं अलग ही पावर आएगा। और दोनों को एक साथ लैंड कराओ, आप भी देखोगे पहले के मुकाबले कितना फर्क है पावर में। ये है एक पावर जैब, मुझे बहुत पसंद है। स्टेप करते हुए मारो। अगर आपके कोई सवाल हो नीचे कमेंट्स में पूछिए, मैं जवाब दूंगा। देखने के लिए शुक्रिया।